मेरे कपास की खेती में गुलाबी सुंडी के हमले ने मुझे बेहद परेशान कर रखा है। फूल टूट कर नीचे गिरने लगे हैं, कलियां खुल नहीं रही, समझ में नहीं आता क्या करूं। वैसे भी हमें रस चूसक कीड़े और बीमारियों से निपटना पड़ता है, ऊपर से ये गुलाबी सुंडी का प्रकोप। हमने इतनी सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया है, फिर भी फसल बचा नहीं पाए। तुम लोगों ने देखी है अमन प्रीत की खिली हुई फसल? कभी सोचा है क्या गुलाबी सुंडी ने उसके खेत को क्यों छोड़ दिया? बैठे बैठे शिकायत करने से कुछ नहीं होता। जाओ अमन प्रीत की खेती का राज जानो, उसे अपनाओ। अमन प्रीत हाजिर है। मैंने मेरा नाम सुना। नमस्ते मोहन जी। अरे भाइयों, मायूस होकर क्यों बैठे हो? अमनप्रीत, तुम इन्हें जरा बता दो, गुलाबी सुंडी के प्रकोप से कपास को बचाने के लिए तुमने क्या क्या तरीके अपनाए हैं? तो ये बात है, घबराओ मत, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, बस कुछ सुझावों का पालन करें और सब कुछ सही होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जून जुलाई के महीनों में कपास के पौधों पर गुलाबी सुंडी वाले कीट आक्रमण कर लेते हैं। यह विनाशकारी एक भक्षी कीट है। यदि इल्ली किसी पत्ती में प्रवेश करता है तो यह ठीक से नहीं खुलता और इसे रोजेट फूल कहा जाता है। फूलों पर बैठकर गुलाबी सुंडी वाली मादा तितली अपने अंडे देती है। इन अंडों से 7 दिनों के अंदर धीरे धीरे इल्ली कपास के हर टिंडे में प्रवेश करके कपास के बीजों को खाते हैं और बड़े होने पर टिंडों में गोल छेद बनाकर बाहर आते हैं। इनके प्रकोप से कपास की रुई अंदर से खराब हो जाती है और फसल की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए हमें समय पर कीट नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमनप्रीत भाई, तो गुलाबी सुंडी को नियंत्रित कैसे करें? गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए अच्छे खासे कीटनाशक उपलब्ध हैं, जिससे उनका लगभग नियंत्रण हो सकता है, पर उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि लंबी अवधि के लिए हाइब्रिड किस्म की खेती न करें, पिछले सीजन के कपास की फसल को नष्ट कर दें, गर्मी के महीनों में गहरी जुताई करें, फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से कीट आबादी की निगरानी करते रहें। इस फेरोमोन ट्रैप के बारे में अगर हमें विस्तार से बताएं? हाँ, जरूर बताऊंगा। हम किसानों को गुलाबी सुंडी की आबादी और उपस्थिति का पता लगाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके कपास के खेतों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। ट्रैपिंग आगे के नियंत्रण उपायों की जरूरत निर्धारित करने में और स्प्रे का फैसला लेने में मदद करती है। हमें प्रति एकड़ कम से कम 4-5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए और हर ट्रैप में यदि 5-8 पतंग पाए जाते हैं तब हमें निर्धारित रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए फेरोमोन ट्रैप को आंखों के स्तर पर लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि तुम लोगों ने फेरोमोन ट्रैप के लाभों को स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा। हाँ मनप्रीत, अब से हम अपनी फसल को बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। अब मैं विस्तार से बताऊंगा मैंने क्या किया है। सबसे पहले सही प्रकार के बीज चुना जो जल्दी परिपक्व हो जाए। बुआई के 1 महीने बाद मैंने अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया। इससे मुझे गुलाबी सुंडी के प्रकोप की जानकारी हुई और पता चला कि मुझे कब स्प्रे करना चाहिए, तब मैंने तुरंत स्प्रे करना चालू कर दिया। स्प्रे के शुरुआती दिनों में मैंने कुछ सस्ते वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिससे महंगे वाले स्प्रे में होने वाले खर्च पर बचत कर सका। इससे मेरा खर्चा भी बचा और मैंने मेरी फसल में गुलाबी सुंडी से प्रभावी नियंत्रण भी पाया। हम सभी जानते हैं कि गुलाबी सुंडी की इल्ली कपास के टिंडे में एक बार घुस जाने से बहुत नुकसान होता है, इसलिए पत्तियां तैयार होने के दौरान और फूल आने की अवस्था में मैंने मेरे खेत में अच्छी तरह से कीटनाशकों का उपयोग किया है। सबसे पहले जुलाई अगस्त माह में बुआई के 60-90 दिनों के बीच मैंने प्रोफेनाफोस 50 EC 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया। उसके बाद जुलाई अगस्त माह में ही बुआई के 91-120 दिनों के बीच मैंने इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया। सितंबर अक्टूबर माह में बुआई के 121-135 दिनों के बीच
मैंने डेल्टा मेथ्रिन 2.8 ईसी 160 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया और फिर सितंबर अक्टूबर माह में ही बुआई के 136 से 150 दिनों के बीच मैंने फेनवैलरेट 20 ईसी 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया। याद रहे, कीटनाशकों का चयन तथा छिड़काव का समय निर्धारित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप से जमे हुए पतंगों का निरीक्षण अवश्य करें। लगातार छिड़काव के दौरान प्रभावी और निरंतर परिणामों के लिए रसायनों में बदलाव जरूरी तौर पर अवश्य करें। इस तरीके से खेती करने पर मैंने तुम सब की तुलना में अच्छा खासा कपास का उत्पादन पाया है। धन्यवाद अमनप्रीत, अब से हम तुम्हारे बताए हुए सुझाव के अनुसार ही कपास की खेती करेंगे। सही कहा, तुमने हमें एक नई दिशा दिखाई है। सचमुच तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब बातें कम काम ज्यादा, जाओ लग पड़ो। बिल्कुल। गुलाबी सुंडी का नियंत्रण है आसान। सफेद सोना खेतों की शान।